दोस्तों इस गुफा के बारे में प्राचीन बातें हैं, किंवदंती है कि ये जो गुफा है सुखानंद एमपी के अंदर जो जावद जगह है, जावद में सुखानंद करके कोई जगह है, वहाँ तक ये गुफा जाती है ऐसा बताते हैं। तो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजे सिंह ब्लॉग्स। तो दोस्तों मैं हूँ बस्सी में, मेरी सिस्टर के यहाँ आया हुआ हूँ। तो दोस्तों पहाड़ के ऊपर वहाँ पर मनशापुन हनुमान जी का मंदिर है, तो वहाँ चलते हैं। लगभग 300 सीढ़ियाँ हमको चढ़नी पड़ेगी और काफ़ी मज़ा आएगा। 300 सीढ़ियाँ बहुत होती है यार, तो काफ़ी हाइट पे है और काफ़ी प्राचीन मंदिर है, वो दिखाता हूँ मैं। तो दोस्तों बस्सी कस्बे का ये मनशापुन हनुमान जी का मंदिर जो है, वो ये जो मेन रोड जा रही है ये हाईवे पे मिल रही है, इधर से बस्सी से निकल के हाईवे पे मिल रही है, इधर इस रोड से यहाँ अंदर ही है और ये पगडंडी बनी हुई है, हालांकि सीमेंटेड रोड ही है। मंगलवार का दिन है, सबसे मेन हनुमान जी का दिन है, आज दर्शन कर लेते हैं। तो मनीष मेरे साथ है, इसका नाम मनीष है। दोस्तों बाइक का सफ़र यहीं तक था, अब यहाँ से हमको 300 सीढ़ियाँ चढ़नी है, फिर उसके बाद मनशापुन बालाजी का मंदिर आएगा। ये देखो आप ऊपर सीढ़ियाँ। दोस्तों हम लगभग पहुंच गए हैं हनुमान जी के मंदिर। हाँ, काफ़ी हाइट है, काफ़ी ऊपर है यार, लगभग 350 है ना, 350 करीब सीढ़ियाँ। दोस्तों सियावर रामचंद्र की जय, जय जय सियाराम, रघुनंदन आपकी जय हो, सियावर रामचंद्र आपकी जय हो।
प्रभु श्री राम की जय हो, माता जानकी की जय हो। तो दोस्तों ये है महिषापूर्ण बालाजी महाराज का मंदिर, ठीक है ना। काफ़ी प्राचीन है ये, अति प्राचीन मंदिर है ये। बाकी ये जितना भी आप काम देख रहे हैं, ये शेल्टर वगैरह जो बना है अभी लॉकडाउन के अंदर, ये जो 2 महीने का लॉकडाउन था इस दरमियान बना है, क्योंकि बिल्डिंग मटेरियल को यहाँ लोग सबने मतलब श्रमदान किया। उसके बाद वहाँ से इतना नीचे से वहाँ से रेत वगैरह सीमेंट वगैरह सब लोग आते थे, 50-50 लोग सब अपने अपने हिसाब से श्रमदान देते थे। फिर उसके बाद यह मटेरियल आया है और ये सारा काम जो है लॉकडाउन के अंदर हुआ है। बाकी ये जो मंदिर है, मूर्ति जो है चट्टान के अंदर हनुमान जी महाराज की, ये काफ़ी प्राचीन है, बहुत ही प्राचीन। यहाँ से देखिए आप बस्सी पूरा नज़र आ रहा है, वो देखिए आप, वो जो दिख रहा है पूरा बस्सी है कस्बा, सामने वो तालाब है, वहाँ भी काफ़ी प्राचीन मंदिर है। वहाँ काफ़ी एक प्राचीन मंदिर है नर्मदेश्वर महादेव का, वो भी हो सका तो मैं आपको दिखाऊंगा। और इधर एक गुफा भी है जो काफ़ी शायद अंदर तक जा रही है, लेकिन उसके अंदर लेट के जाना पड़ता है। चल के देखते हैं। अंदर जो है चमगादड़ है और रास्ता अंदर जाता है ऐसा लोग कहते हैं, इधर से जा रहा होगा शायद, इधर से भी है कुछ रास्ता नीचे जाने का। तो दोस्तों महिषापूर्ण बालाजी महाराज के हम इस मंदिर में आए हुए हैं, यहाँ पे ये बाबूजी आए हुए हैं, ये थोड़ा इतिहास जानते हैं, यहाँ का काफी प्राचीन इतिहास है इस गुफा का भी, ये कुछ बताने वाले हैं, तो इनसे हम जान लेते हैं क्या इतिहास है बाबूजी यहाँ का। ये गुफा, यहाँ पर शेर वगैरह भी रहते हैं और वैसे ये बताते हैं पुराने पंडित लोग वगैरह कहते हैं कि यह ठेठ ये सुखानंद जी जाती है। सुखानंद एमपी के अंदर जावेद के पास है, सुखानंद जी वहाँ जाती है, लंबी सुखा है। अच्छा, लोग बाग काफ़ी 1 किलोमीटर तक तो अंदर गए हुए हैं किंतु अच्छा। जी घबरा जाता है इसलिए जा नहीं सकते हम, और सुखानंद जी जाते हैं यहाँ से। अच्छा, पहले मतलब पंडित जी यहाँ से आते जाते रहते थे। अच्छा, महाराज लोग संत लोग जो तपस्या करते थे वो तपस्या मतलब गुप्त मार्ग से आते थे, गुप्त मार्ग से आते जाते थे। अच्छा, और बहुत प्राचीन पुराना मतलब स्थान है ये, और यहीं पर झरना चलता है जो हमारे बस्सी का तालाब। अच्छा, तालाब इस झरने से भरता है, यहाँ से जो ये झरना यहाँ से आता है। हाँ। और हमारा बस्सी का तालाब की सप्लाई मतलब पानी की सप्लाई यहीं से होती है। सही बात है। और इसी के पास में बडलेश्वर महादेव भी है। अच्छा, पास में वो भी हमारे यहाँ पूजने पूजने बहुत बड़ा स्थान है। हाँ। इधर आगे मतलब अपने देवनारायण का स्थान भी है। अच्छा, और अभी यहाँ के खास मेन पुजारी मतलब रामलाल जी हजूरी। हाँ। जो हमारे यहाँ पे पहले सरपंच साहब थे। हाँ। वो भी देख रेख करते हैं। हाँ। और कमल जी अरोड़ा। हाँ। मोनूलाल मोनू जी व्यास। अच्छा, ये सब लोग यहाँ केयर टेकर मतलब केयर टेकर हमारे यहाँ कम से कम 20-25 मेंबर हम यहाँ देखते रहे करते हैं यहाँ पे। और अभी आज के 10 साल पहले हमने ये सीढ़ियाँ बनाई, पहले बहुत भारी जंगल था, 315 सीढ़ियाँ 315 सीढ़ियाँ 315 सीढ़ी बनी हुई है, 16 सीढ़ी है नीचे, मतलब महाराज के इनके रहने का पूरा हॉल वगैरह है यहाँ पे। अच्छा, और माता जी का स्थान है, वो गौरी जी का स्थान है। कुल मिला के ये जो गुफा है आप बता रहे, जगह का क्या नाम बताया, एमपी में सुखानंद जी। तो दोस्तों इस गुफा के बारे में प्राचीन बातें हैं, किंवदंती है कि ये जो गुफा है सुखानंद, एमपी के अंदर जो जावद जगह है, जावद में सुखानंद करके कोई जगह है, वहाँ तक ये गुफा जाती है ऐसा बताते हैं पुराने लोग। कुछ लोग अंदर 1 किलोमीटर तक गए हुए हैं, रेंग के जाना पड़ता है हालांकि अंदर। और वैसे शेर वगैरह भी रहते हैं। अच्छा, शेर वगैरह नहीं सब रहते हैं। एक बार आ गए हैं, एक बार नहीं, कितनी बार आए हुए हैं यहाँ से। शेर आ गया है, शेर मतलब बोलना पूरा पहाड़ है ऊपर। सही बात है, ऊपर चले जाता है। इधर पीछे सेंचुरी भी है। सही बात, सेंचुरी है ना ऊपर, शेर आते रहते हैं यहाँ पे। सही बात, भजन संध्या वाली तरफ जंगली जानवर वगैरह आते रहते हैं। 15-16 भजन संध्या के बीच में आ गया, भाग गए होंगे एकदम से, आते जाते रहते हैं हमारे यहाँ, मतलब जानवर जानते आते रहते ही हैं। सही बात है, इस गुफा से आते हैं। सही बात है, आते जाते रहते हैं मतलब। तो दोस्तों हनुमान जी का ये जो मंदिर है काफ़ी प्राचीन है और इसका इतिहास जो है काफ़ी पुराना है। यहाँ काफ़ी ऋषि मुनियों ने तपस्या की है और इस गुफा के बारे में बाबू जी ने भी कुछ बताया आपको, जो कि देखने लायक है, कि मतलब अगर कोई जाके सर्च करे तो कुछ पता चल सकता है। हालांकि लोग बताते हैं कि 1 किलोमीटर तक अंदर गए हैं। हनुमान जी महाराज के बारे में आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। हमारे सनातन संस्कृति में ये सबसे मुख्य देव माने गए हैं, कलयुग के सबसे मुख्य देवता माने गए, जिनके बारे में कहा जाता है कि हनुमान जी अमृतत्व को प्राप्त हैं और वो इस कल्प के अंत तक शरीर जीवित रहेंगे, वो अभी भी जीवित है। श्रीलंका का एक कबीला है जिसका नाम है मतंक, जो कि पिंडरू पहाड़ है श्रीलंका में, वहाँ पर हर 41 साल के अंदर हनुमान जी उनको साक्षात दर्शन देते हैं। तो उसके पीछे की कहानी ये है, प्रभु श्री राम शरीर को छोड़कर अपने लोक में चले गए थे, तो हनुमान जी यहाँ रह गए तो फिर वो तपस्या करने के लिए श्रीलंका चले गए, उदासीन हो गए थोड़े।
कलयुग के अंदर हनुमान जी सशरीर जीवित है, वो हमको दर्शन इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि हम उस लेवल की आत्माएं नहीं, हम उस लेवल की आत्माएं नहीं है। तो जो मतंग जो मैं बता रहा हूँ आपको कबीला, उसके बारे में ये कहा जाता है कि श्रीलंका में जब वो तपस्या करने गए तो वहाँ वो साधना कर रहे थे, उस दौरान वहाँ के मतंग आदिवासियों ने उनकी काफ़ी सेवा की, तो सेवा से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उनको काफ़ी सारा ज्ञान दिया, उनके पास अष्ट सिद्धि और नव निधियाँ, आठ तो उनके पास सिद्धियाँ हैं, अणिमा महिमा लघिमा प्राक्रिमा, यानी वो अपने शरीर को चाहे जितना छोटा कर सकते हैं चाहे जितना बड़ा कर सकते हैं, और जो संकल्प से वो सोच ले कि मुझे ये करना है तो वो कर सकते हैं। इन सिद्धियों के बारे में ऐसा कुछ बहुत कुछ हमारे जो योग शास्त्र है उनके बारे में लिखा हुआ है, उनके अंदर इनका पूरा मतलब बता रखा है कि आठ सिद्धियां जो होती है वो योगी को सिद्ध हो जाती है, जब वो सिद्ध हो जाती है तो फिर वो पानी पे भी चल सकता है, हवा में भी उड़ सकता है, वो चाहे जितना भूखा रह सकता है और उसको ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। तो ये सारी सिद्धियां जो थी वो सारी सिद्धियां हनुमान जी के पास हैं। तो मतंग जो आदिवासी हैं उनको उन्होंने सारा ज्ञान दिया, मतंग आदिवासियों ने उनसे पूछा कि आपके वापस दोबारा दर्शन कैसे होंगे, आपके ज्ञान का हमारी जो आने वाली भावी पीढ़ियाँ वो उसको कैसे जान पाएगी, क्योंकि मतंग आदिवासी जो हैं आज भी बताते हैं कि बिल्कुल आज के जो भौतिक युग है उससे काफ़ी दूर हैं, आज भी वो लोग पहाड़ों में ही रहते हैं और प्रभु श्री राम के काल से वो आज तक जो प्रजाति है वो जो जनजाति है वो आज तक अपने अस्तित्व में है। तो उनको हर 41 साल में हनुमान जी साक्षात दर्शन देते हैं। दर्शन कैसे देते हैं, उन्होंने उनको एक स्पेशल मंत्र बता रखा है, उस मंत्र की विशेषता ये है कि उसको एक पहाड़ के ऊपर जाके जपना है और जपने के दौरान 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के सर्कमफेरेंस में एक भी ऐसी आत्मा नहीं होनी चाहिए जिसका हनुमान जी की आत्मा से संबंध नहीं हो, यानी कि मतलब समझा, उस मंत्र को वही इंसान जपेगा जिससे हनुमान जी से शरीर मिल चुके हैं, समझ रहे हो, जिनकी आत्मा से संबंध है, यानी कि मतंग जो आदिवासी है अभी जैसे 41 साल पहले उन्होंने दर्शन दिए, तो जो लोग 41 साल पहले हनुमान जी के साथ उस वक्त बैठे थे उनमें से ही कोई एक आदमी जाके उस मंत्र को जप सकता है उस दरमियान, दूसरा कोई भी इंसान ऐसा इंसान नहीं होना चाहिए उस एरिया में जिसका हनुमान जी की आत्मा से उसका क्या संबंध है, पूरा कनेक्शन वो होगा तो वो दर्शन नहीं देंगे, वो आएंगे नहीं। उन्होंने उनको कहा कि मैं मन के वेग से भी तेज, प्रकाश की गति से भी तेज, मैं आपको एकदम यहाँ उपस्थित होऊंगा और हर 41 साल में एक बार आपको ये करना है। तो हर 41 साल में एक बार हनुमान जी दर्शन देते हैं। इसके ऊपर रिसर्च चल रही है और आप जाके गूगल कर सकते हैं, पिंडरू पहाड़ मतंग आदिवासी का हनुमान जी से क्या संबंध है। मैं कुछ भी बात हवा में नहीं कह रहा हूँ, आप गूगल कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो हनुमान जी के बारे में ये कहा जाता है कि ये अमृत को प्राप्त हैं। तो दोस्तों अब कभी अगर आपका बस्सी आना हो तो यहाँ ज़रूर आइएगा, 315 सीढ़ियाँ चढ़कर ये जो हनुमान जी का मंदिर है बिल्कुल देखने लायक है और पास में गुफा भी है, मैंने बता दिया इसके बारे में। और बारिश के मौसम में तो यहाँ काफ़ी बड़ा मतलब ज़बरदस्त माहौल रहता है, यहाँ से बहुत तेज़ी के साथ झरना गिरता है, बहुत ही स्पीड से लोग यहाँ नहाते हैं और बताते हैं कि पानी जो है वो बिल्कुल यहाँ तक जाता है, इधर से फ्लो होता है पूरा पानी, मतलब इस पूरे एरिया में पानी रहता है, इस जगह इस चौक में और यहाँ लोग यहाँ बैठ के नहाते हैं बारिश के मौसम में काफ़ी तेज। और यही पानी वो तालाब जो दिख रहा है सामने वहाँ, यहाँ से जो पानी की आवक है वो उसमें जाती है और तालाब जो भरता है मेन जो सोर्स है वो ये झरना ही है, यहीं से पानी जाता है मेन, और 12 महीने उस तालाब में पानी रहता है। तो काफ़ी अच्छी जगह देखने लायक है, आप लोगों को आना चाहिए कभी अगर आप बस्सी आओ तो। बस्सी से लगभग 0.5 किलोमीटर बाहर आने के बाद ये मेन रोड से अंदर आना है, ये दिख रहा है मैंने पूरा बताया आपको, मनशापुन बालाजी महाराज का मंदिर। तो चलते हैं अब यहाँ से। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बता देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और भी नए नए लेटेस्ट वीडियो आते रहेंगे और हम ऐसे मस्ती करते रहेंगे, आपको काफ़ी अच्छी अच्छी जगह दिखाते रहेंगे। तो गाइस अब हम नीचे चल रहे हैं, ठीक है ना, दर्शन वगैरह कर लिए, काफ़ी अच्छी जगह थी। मनीष के साथ में हम आए, मनीष यहीं रहता है। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे।